तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पॉइंट में। तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो है हमने कक्षा आठवीं का जो दूसरा चैप्टर दे रखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी प्रश्नावली 2.5 के एक से लेकर के छठे सवाल तक को हल किया था। तो अब जो है हम करते हैं इसके सातवें सवाल को, ठीक है। तो सातवें सवाल को देखो कैसे हल करेंगे। तो ये जो 3 दिया हुआ है, ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं, तो गुणा का चिन्ह है, तो इसकी गुणा जो है यहाँ पर वितरकता के नियम के साथ होगी। जब 3 की गुणा टी के साथ होगी कितना हो जाएगा, ये 3 टी, और 3 की गुणा माइनस के 3 के साथ होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर में। अब इस 5 की गुणा भी वितरकता के नियम के साथ, पहले 2 टी के साथ और फिर 1 के साथ होगी। जब 5 की गुणा 2 टी के साथ होगी तो ये कितना बन जाएगा, 10 टी बन जाएगा, और 5 की गुणा 1 के साथ होगी तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हम चर वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 टी इधर आएगा तो माइनस का 10 टी हो जाएगा, ठीक है, बराबर में। इधर कितना पड़ा है, प्लस का 5 पड़ा है, और जब इस माइनस के 9 को पक्षांतरित करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 टी माइनस का 10 टी कितना हो जाएगा, माइनस का 7 टी, माइनस का 7 टी बराबर में 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। तो टी बराबर में हो जाएगा 14 बट्टे माइनस का 7, अर्थात टी का मान यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। टी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी का मान 2 आ जाएगा। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो 15 है, 15 की गुणा पहले वाई के साथ होगी वितरकता के नियम के साथ, और फिर माइनस के 4 के साथ होगी। जब 15 की गुणा वाई के साथ होगी ये हो जाएगा 15 वाई, और जब इससे 15 की गुणा माइनस के 4 के साथ होगी तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 माइनस, ठीक है। अब इस माइनस के 2 की गुणा होगी वाई के साथ तो माइनस का 2 वही हो जाएगा, और माइनस के 2 की गुणा माइनस के 9 के साथ होगी तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब इस प्लस के 5 की गुणा वाई के साथ होगी तो ये प्लस का 5 वाई हो जाएगा, और जब इस 5 की गुणा 6 के साथ होगी तो ये 30 हो जाएगा बराबर में। यहाँ पर 0 पड़े हमारे पास में। अब चर वाली संख्या को एक तरफ, ठीक है, अब चर वाली संख्या देखो यहाँ पर ये दे रखी है ना, यानी कि 15 वाई माइनस का 2 वाई प्लस का 5 वाई, ठीक है, बराबर में। अब ये 30 क्या है, प्लस की संख्या, इसको पक्षांतरित करेंगे तो ये माइनस की 30 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस के 18, इसको पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का 18, और ये माइनस का 60, इसको पक्षांतरित करेंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, 15 वाई और 5 वाई, 20 वाई, 20 वाई में से 2 वाई गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18 वाई बराबर में। यहाँ पर ध्यान दो, माइनस का 30, ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो माइनस का 30 और माइनस का 18, माइनस का 48 और प्लस का यहाँ पर कितना हो गया, 60 हो गया। 18 वाई बराबर में माइनस का 48 और प्लस का 60, ये हो जाएगा प्लस का 12। तो वाई बराबर में कितना आ जाएगा, 12 बट्टे 18। अब 6 के बारे में काटते हैं तो ये 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान जो है 2 बट्टे 3 आ गया। वाई का मान कितना आ गया, 2 बट्टे 3 आ गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।